told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बख्शिंदर सिंह और आप सबका वेलकम है आज के व्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं गोवा की मोस्ट वायरल आरंबोल बीच देखने। तो चलिए फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा चलते हैं बीच पर। फ्रेंड्स, ये आरंबोल बीच की पार्किंग है। यहाँ पर टू व्हीलर पार्किंग चार्ज 20 रुपीज और फोर व्हीलर पार्किंग चार्ज 50 रुपीज है। और ये देखिए, ये सामने है बीच का एंट्रेंस। और मेरी राइट साइड में भी पार्किंग एरिया है। यहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग है, आपको यहाँ पर पार्किंग की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और जब हम पार्किंग से बीच की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ऐसी छोटी छोटी शॉप आती हैं जहाँ से आपको खाने पीने का सामान मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ ऐसी शॉप भी हैं जहाँ से आपको घर की डेकोरेशन का सामान मिल जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, आरंबोल बीच का शानदार नज़ारा। और फ्रेंड्स, आज समुंदर का पानी काफ़ी ऊपर तक आया हुआ है, आप भी देख सकते हैं, लेकिन ये व्यू बहुत ही कमाल का दिखाई दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले बीच की लेफ्ट साइड में चलते हैं और देखते हैं उस तरफ कैसा माहौल है और कैसा व्यू दिखाई देता है। फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है, अभी सिर्फ 11 बजे हैं, लेकिन बीच के ऊपर एकदम ठीक ठाक माहौल है। ना ही टूरिस्ट कम है और ना ही टूरिस्ट ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे शाम होएगी वैसे वैसे बीच के ऊपर क्राउड बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, ये साइड में मेरे को काफ़ी कुछ ठीक लगा, लेकिन एक चीज़ मेरे को बहुत ख़राब लगी। ये आप देखिए, ये जो आप लकड़ी रेत के अंदर गड़ी हुई देख रहे हैं, ये वो लकड़ी है जो शैक बनाने के लिए ज़मीन में गाड़ी जाती है। यहाँ से शैक तो निकाल दिए, लेकिन लकड़ी को पूरा नहीं निकाला गया। मेरे हिसाब से इसको भी निकालना चाहिए, क्योंकि अंधेरा होने के बाद ये दिखाई नहीं देगी और यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को इससे चोट लग सकती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बीच हट बनाए गए हैं, आप इनको ऑनलाइन बुक कर कर यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर और भी हट हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बताता हूँ, आरंबोल बीच और मैंद्रेम बीच, ये दोनों बीच आपस में जुड़ी हुई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सामने आरंबोल बीच है जहाँ से हम आए हैं, और अभी मैं इसमें आरंबोल बीच और मैंद्रेम बीच के बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ। और यहाँ तक पैदल चलकर पहुँचने में लगे मेरे को सिर्फ 15 मिनट। और ये देखिए, मेरी लेफ्ट साइड में मैंद्रेम बीच है। और अगर आप इन दोनों बीच पर इंजॉय करना चाहते हैं तो आप बीच से पैदल चल के जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपका टाइम बचता है। अगर आप बाई रोड घूम के जाएंगे तो आपको 3-4 किलोमीटर की ड्राइव करनी पड़ती है, जिससे आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होएगा। और फ्रेंड्स, मैंद्रेम बीच भी बहुत सुंदर है, उसकी मैंने फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब मैं आरंबोल बीच के सेंटर पॉइंट पर वापस आ गया हूँ, और अब हम बीच की राइट साइड में जाएंगे और देखेंगे आगे कैसा व्यू है और कैसा माहौल है। फ्रेंड्स, आरंबोल बीच नॉर्थ गोवा की बहुत ही फेमस बीच है, इसलिए यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट के साथ साथ फॉरेनर टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं, लेकिन अभी बरसात का मौसम है इसलिए आपको यहाँ पर फॉरेनर टूरिस्ट 1-2% ही दिखाई देंगे। लेकिन सीज़न के टाइम में, यानी अक्टूबर से लेके मार्च तक, यहाँ पर इतने ज़्यादा फॉरेनर टूरिस्ट होते हैं
के इस बीच को रशियन बीच बोला जाता है। फ्रेंड्स, बीच के राइट साइड में भी काफ़ी टूरिस्ट हैं। देखिए सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, और एंजॉय तो करेंगे ही क्योंकि व्यू ही बहुत कमाल का है। और फ्रेंड्स, इस बीच पर कुछ परमानेंट रेस्टोरेंट हैं जो कि पूरे साल सर्विस देते हैं। ये देखिए पीछे टेबल चेयर लगाकर आपके खाने पीने के लिए अरेंजमेंट किया गया है। आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंजॉय कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वेज, नॉन वेज, सी फूड और रशियन फूड भी मिल जाएगा। और ड्रिंक में यहाँ पर हर एक तरह की ड्रिंक अवेलेबल है, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, जूस एंड शेक भी मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर पार्टी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात का खास ध्यान रखें, अभी गोवा में मानसून है और बारिश एकदम से गिरती है। आप बाहर बैठ के ना खाएं, अगर आपको ड्रिंक वगैरह करना है तो आप बाहर बैठकर ड्रिंक कर लीजिए, क्योंकि बारिश एकदम से गिरेगी। और अगर आप बाहर बैठकर खाना खा रहे हुए तो आपको खाना छोड़कर अंदर भागना पड़ेगा और आपका खाना वेस्ट हो जाएगा। और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को भी बारिश से बचाने का अरेंजमेंट करके आए, जैसे मोबाइल, कैमरा, कहीं ऐसा ना हो बारिश में वो भीग के ख़राब हो जाए। और हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पर आकर एक सस्ता वाला रेनकोट जरूर ले लें, जिससे आपको गोवा घूमने में आसानी रहेगी, नहीं तो आप बारिश में परेशान हो जाएंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा आगे आने के बाद मेरे को बीच पर काफ़ी गंदगी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बीच पर तो मैं गंदगी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये नॉर्थ गोवा की बहुत ही फेमस बीच है और यहाँ पर हजारों के हिसाब से टूरिस्ट आते हैं, इसलिए इस बीच पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गंदगी जल्दी साफ हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कितनी गंदगी है। यहाँ पर तो कूड़े के बैग भर के रखे हुए हैं। अगर बैग में कूड़ा डाला ही था तो इसको साथ के साथ उठा देना चाहिए था, यहाँ पर ढेर लगा के क्या फ़ायदा। ये देखिए बीच पर कितनी गंदगी है। फ्रेंड्स, अब मैं आरंबुल बीच के राइट साइड में बिल्कुल लास्ट तक आ गया हूँ, और ये देखिए कितने कमाल का व्यू है। और एक और ख़ास बात फ्रेंड्स, और यही कोने से स्वीट लेक का रास्ता जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से सिर्फ एक ही रास्ता है स्वीट लेक पे जाने के लिए। चलिए अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जब आप सामने आएंगे तो आपको इस तरह की गली दिखाई देगी। आपको इस गली में लेफ़्ट साइड की तरफ चलना है। आपको इस गली में बहुत सारे बियर बार एंड रेस्टोरेंट मिलेंगे, और आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको सजावट का सामान और कुछ कपड़ों की शॉप भी मिलेंगी। सीज़न के टाइम में तो इस रास्ते में बहुत सारी शॉप होती हैं, लेकिन ऑफ सीज़न में कुछ शॉप बंद हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको रास्ते में काफ़ी शॉप दिखाई देंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जल्दी स्वीट लेक पर चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बियर बार है, और देखिए कितना शानदार नज़ारा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कितने कमाल का व्यू है। और फ्रेंड्स, ये जो आप सामने छोटे छोटे पहाड़ देख रहे हैं, इसकी एक हिस्ट्री है जिसके ऊपर मैंने फुल डिटेल में वीडियो बनाई है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब हम स्वीट लेक के एंट्रेंस पॉइंट पर पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इसलिए आगे जाने का रास्ता नहीं है। और लाइफगार्ड से मैंने बात की तो वो भी मेरे को आगे जाने नहीं दे रहा। जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आए, उन सबको भी बिना स्वीट लेक देखे ही वापस जाना पड़ा। लेकिन मेरे पास काफ़ी टाइम था, मैं यहाँ पर बैठ गया और मैंने सोचा कि चलो स्वीट लेक देख कर ही चलेंगे। मैं यहाँ पर लगभग 1-1.5 घंटे तक बैठा रहा, लेकिन पानी नीचे नहीं आया, और मेरे साथ भी हो गया मोए मोए।
मोए मोए। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे को अपने लिए बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने तो स्वीट लेक बहुत बार देखी है। मेरे को उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जो पहली बार यहाँ पर आए थे और स्वीट लेक नहीं देख पाए। फ्रेंड्स, अब मैं वापस अरम्बुल बीच पर आ गया हूँ और ये देखिए पानी की लहरें कितनी ऊपर तक जा रही हैं, बिल्कुल ऊपर लास्ट तक। फ्रेंड्स, अब शाम हो गई है और बीच पर क्राउड और बढ़ गया है और मौसम तो कमाल का है ही है। और सनसेट की मैं आपसे क्या बात करूं, सुबह से तो सूरज देखने को नहीं मिला, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया है और व्यू बहुत ही कमाल का हो गया है। ये देखिए सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके अपने गोवा टूर की मेमोरीज इकट्ठी कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, क्या कमाल का व्यू है, एकदम पानी सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है पानी के ऊपर सरफ घोल के झाग बनाई हुई है, बहुत ही कमाल का व्यू दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप गोवा का टूर प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये बीच फेमस है फॉरेनर टूरिस्ट के लिए और अभी मानसून का टाइम है और मानसून के टाइम में आपको यहाँ पर बिल्कुल भी फॉरेनर्स नहीं दिखाई देंगे, इसलिए अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा और भी ऑप्शन है इसके नज़दीक, जैसे आप मैंदरम बीच जा सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन वहाँ पर आपको ऐसे परमानेंट रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे। आप मोरजिम बीच जा सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन आपको वहाँ पर भी परमानेंट रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। और मैं आपको ये दो ऑप्शन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पर्सनली अरम्बुल बीच से ज़्यादा मोरजिम बीच और मैंदरम बीच पसंद है। मैं अरम्बुल बीच पर आने की बजाय उन दो बीच पर जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और मैं ये आपसे ऑफ सीज़न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीज़न में भी मैंदरम बीच और मोरजिम बीच ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बीच की साफ सफाई चल रही है। जैसा कि मैंने कहा था, मेरे को उम्मीद है बीच पर बहुत जल्दी साफ सफाई हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर भी साफ सफाई करने वाले कर्मचारी लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स, अब अंधेरा हो गया है और सभी रेस्टोरेंट वालों ने लाइटें ऑन की हैं, लेकिन बाहर बीच पर बिल्कुल भी लाइटिंग नहीं है, जो भी लाइटिंग है रेस्टोरेंट के अंदर है। यहाँ पर टूरिस्ट भी है तो सही, लेकिन थोड़े कम है। आप चाहे तो नाइट में यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इससे बढ़िया ऑप्शन बागा बीच और कलंगुट बीच है। वहाँ पर जो नाइट लाइफ आपको मिलेगी वो गोवा में कहीं नहीं मिलेगी। बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपना गोवा टूर प्लान कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ओके फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।